साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों इस खबर को सबसे पहले शेयर कर दो, घर घर इस खबर को पहुंचा दो, क्योंकि ये खबर ऐसी है घर घर हर व्यक्ति को, हर महिला को, हर परिवार के लोग तक ये खबर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि उनके काम की खबर है, प्रत्येक घर के काम की खबर है। बाड़मेर राजकीय अस्पताल, आज के बाद बाड़मेर राजकीय अस्पताल में किसी भी महिला को डिलीवरी होने के बाद बच्चा होता है तो किसी भी अंदर गाइनिंग वार्ड में न तो किसी स्टाफ को बधाई देनी है, न किसी बाहर सफाई कर्मी को बधाई देनी है। राजकीय अस्पताल के डॉक्टर बीएल मंसूरिया ने एक आदेश जारी किया है, किसी भी महिला को डिलीवरी में बच्चा होता है तो आप बधाई नहीं दोगे, क्योंकि अब राजकीय अस्पताल के परिसर में और अंदर बड़े बड़े बैनर लगने वाले हैं। डॉक्टर बीएल मंसूरिया ने बताया कि समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है, महिला अंदर जो डिलीवरी कराने वाली महिलाएं होती है वो और कर्मचारी और सफाई कर्मी बधाई मांगते हैं। बधाई को लेकर किसी ने शिकायत भी दर्ज करवाई है। शिकायत दर्ज करने के बाद वो बात पीएमओ तक पहुंची तो पीएमओ ने एक कल मीटिंग बुलाकर आदेश जारी किया है और बड़ा बड़े बैनर लगेंगे हॉस्पिटल के अंदर और बाहर परिसर में। अब किसी भी महिला को, किसी भी सफाई कर्मी को, किसी भी स्टाफ को बधाई नहीं देनी है। तो साथियों इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। अब इन्होंने लिखा है बच्चा होने की खुशी में बधाई नहीं दे, बैनर लगेंगे बड़े बड़े जिला अस्पताल में, आम जन में जागरूकता के लिए ये पहल है। फटाफट एक बार शेयर कर दो इस पोस्ट को साथियों, ताकि ये पोस्ट जगह जगह पहुंचने चाहिए। डॉक्टर बीएल मंसूरिया ने बताया है कि निरस्त राजकीय अस्पताल में पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से निरस्त इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने का संदेश है प्रसारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कार्मिकों के रोटेशन के आधार पर अंतंत्र लगाए जाने की कार्रवाई अमल से लाई जाएगी। तो साथियों इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि ये पोस्ट घर घर पहुंचनी चाहिए, सबको पता लगना चाहिए कि बच्चा होने पर किसी भी कर्मचारी सफाई कर्मी को बधाई न दे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत माता। एक बार शेयर जरूर कर दो साथियों इस पोस्ट को, ये पोस्ट जगह जगह पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद।